पबजी मत खेलना, नहीं तो हो जाएगी कब्जी, कब्जी होएगी तो नहीं खा पाओगे सब्जी, फिर मम्मी पापा से पड़ेगी मार जब नहीं खाओगे सब्जी, इसलिए मत खेलो पबजी। हेलो, मैं हूँ राघव जोशी और ये है मेरी मम्मा ज्योति जोशी। हेलो, आज हम एक बात पर चर्चा कर रहे हैं जो कल नरेंद्र मोदी ने कही थी टेक्नोलॉजी के बारे में। टेक्नोलॉजी हमें अपने बच्चों को, मतलब जो भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मैं हूँ, कोई एट फोर्थ फिफ्थ क्लास में जो हम होते हैं, हमें उनको टेक्नोलॉजी से पीछे नहीं हटाना चाहिए, हमें उनको टेक्नोलॉजी का साथ देना चाहिए। ये मत सोचो कि अगर बच्चा टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ेगा और फिर उसकी पढ़ाई रह जाएगी, ऐसा होता है कभी कभार, पर आप हर चीज़ का एक टाइम रखो, एक टाइम लिमिट होती है एक चीज़ की, जैसे कि आधा घंटा या 15 मिनट कंप्यूटर या टीवी, पढ़ाई आधा घंटा या एक घंटा, और फिजिकल एक्टिविटीज 2 या 4 घंटे। तो ऐसे ही आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि राघव ने अभी आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल जो अपना परीक्षा पे चर्चा विषय पे हमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, और उसमें हमने देखा कि एक बहन ने पूछा प्रधानमंत्री जी से कि किस तरह से उनका बेटा पहले पढ़ाई में अच्छा था लेकिन बाद में उसका ध्यान इन गेम्स की तरफ ज़्यादा चले गया और वो पढ़ाई में कम इंटरेस्ट लेने लगा है। तो इसका बहुत ही अच्छा जवाब नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, और उससे उसको सुन के हमें ऐसा लगा कि हम भी शायद उससे कुछ कोरिलेट करते हैं। जैसे कि हमें पता ही है आजकल बच्चे जो हैं ज़्यादा ध्यान गेम्स, जो मोबाइल गेम्स हैं, इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। बाहर एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई है बच्चों की, और ज़्यादातर मोबाइल गेम्स इनमें ही बच्चे लगे रहते हैं। एक साथ मिलते भी हैं तो भी मोबाइल गेम्स में गेम खेलते हैं एक साथ बैठ के। टीवी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमें फिजिकली फिट रहने से हमें दूर करता जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी बात बोली है इसके ऊपर कि हम अगर इन सब चीज़ों को लेकर बैलेंस बना के चलें तो ये हमें फ़ायदा भी करेगा। तो आइए देखते हैं, राघव से पूछते हैं कि वो किस तरह से अपने आप को फिजिकली फिट रखता है और कैसे बैलेंस बनाता है इन सब चीज़ों में। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि मैं कितनी सारी चीज़ें करता हूँ, स्केटिंग, स्विमिंग, ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपको अभी मेरा मेन स्पोर्ट तो पता ही होगा, वो है स्केटिंग, मेरी फेवरेट। और मैं स्कूल में स्केटिंग करता हूँ ठंड सर्दियों में, और गर्मियों में स्विमिंग, कई म्यूजिक क्लास, या मैंने डांस भी ले रखा है, मैं फंक्शन में भी पार्टिसिपेट करता हूँ, स्टेज परफॉर्मेंस। और आपको पता होगा जैसे कि आपने फौजी वाली स्टेज परफॉर्मेंस देखी होगी ना, और मैं घर पर थोड़ा टाइम आता हूँ, खाना खाता हूँ और फिर सो जाता हूँ, या कुछ कुछ हफ्ते में 2 या 3 दिन होते हैं जिनमें मैं सोता नहीं हूँ और पार्क खेलने चले जाता हूँ। और जिस दिन मैं सोता नहीं हूँ तो मेरे को रात को बहुत नींद आती है, इसलिए मैं सो जाता हूँ बहुत जल्दी, ये मेरा रूटीन। और हाँ, मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, कभी हैंड की और कभी लेग्स की। और हाँ, आपने मेरी एक्सरसाइजेज ऑन पुल अप बार वाली वीडियो तो देखी होगी, अगर अच्छी आती लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करना। ये था मेरा। तो ये इस तरीके से राघव ने बताया कि कैसे वो अपने आप को फिजिकली फिट रखता है। और पढ़ाई को कितना टाइम देते हो राघव? टीवी कितना कितने देर देखते हो ये बताओ? 15 मिनट्स। ओनली 15? मीन हाफ एन आवर।
तो दोस्तों ये तो थी राघव की फिजिकल एक्टिविटीज जो कि उसने बताई। अब जान लेते हैं कि राघव की पढ़ाई के लिए रिगार्डिंग राघव क्या करता है। राघव स्कूल में मोस्टली हम ये ध्यान देते हैं कि राघव अगर स्कूल में जो भी टीचर पढ़ाए उसको राघव ध्यान से स्कूल में फॉलो करे और घर आके एक बार रिवीजन ज़रूर करे, होमवर्क वगैरह जो भी करता है। और अगर उसमें अगर इसको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास एक बायजूस ऐप है जिसमें कि ये साइंस और मैथ्स उसके रिगार्डिंग कोई इसकी क्वेरी होती है तो उसमें ये अपने क्वेरी को दूर करता है, या गूगल हो गया या यूट्यूब हो गया, इसमें भी ये अपने क्वेश्चंस को देख लेता है अगर कोई इसको कोई प्रॉब्लम होती है तो। दोस्तों ये तो था राघव के पढ़ाई का शेड्यूल। अब इसके साथ ही मैं ज़रा अपने चैनल के बारे में बताऊं कि हमने ये जो चैनल बनाया ये भी इसी सोच के साथ बनाया गया है कि बच्चे फिजिकली भी फिट रहें और खेल के साथ साथ खेलकूद भी करते रहें, किसी एक चीज़ में बंध के ना रहें। जैसे और पढ़ाई में बंद के ना रहे। हाँ, बस एक बार पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। एक बार मेरा एक दोस्त था, वो भी ऐसे ही करता था, पढ़ाई करता रहता था, खेलता नहीं था। तो इसी तरीके से ये एक तरीके से फैमिली चैनल है और हम सभी ये चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़िए, अपने बच्चों को दिखाइए। इसमें कई सारी एक्टिविटीज हमने इन्वॉल्व की है बच्चों से रिलेटेड, चाहे वो पढ़ाई का हम बाद में और इसमें इन्वॉल्व करने वाले हैं, सोच रहे हैं करने की। फिजिकल फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं बच्चों की, फनी एक्टिविटीज़ हैं छोटे बच्चों के लिए जो कि उनको बहुत पसंद आएंगी, ताकि हम ये चाहते हैं कि बच्चे एक ही चीज़ में ना देखते रहें, जैसे कि कार्टून्स वगैरह। इसमें कई सारी चीज़ें बच्चों को देखने को मिलेंगी, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कल बताया था टेक्नोलॉजी, तो उसी में ना रहें हम सब चीज़, जो बच्चों का शेड्यूल बनाए एक तरीके से। हम ये चाहते हैं कि उसमें एक बैलेंस बना के रखें, आप बच्चे को देखने दीजिए, ये नहीं कहेंगे हम कि उनको बिल्कुल ही दूर कर दीजिए टेक्नोलॉजी से, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। तो सभी चीज़ों को टाइम दें, बस एक बैलेंस बनाएं, एक शेड्यूल बनाएं बच्चे का कि इतने टाइमिंग आपको ये करना है, इतने टाइमिंग ये देखना है। और कभी कभार हमें स्ट्रिक्ट भी बनना पड़ता है, लेकिन इसके लिए मैं भी बनती हूँ स्ट्रिक्ट। बच्चे पे डिपेंड करता है कि बच्चा कैसे उसको फॉलो करता है। तो दोस्तों बस हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़रूर, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आप एंजॉय जरूर कर एंजॉय सके। जरूर कर सके। वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय। बाय।